बालाघाट जिले में लामता से नैनपुर में इलेक्ट्रिक रेल लाइन का सफलतापूर्ण CRS हुआ। वहीं कलकत्ता से पहुंची CRS टीम में CRS प्रमुख AK रॉय, DRM नागपुर मंडल बंदोपाध्याय मौजूद रहीं। वे CRS स्पेशल रेल से नागपुर गोंदिया बालाघाट समनापुर तक पहुंचे और समनापुर से वाया कार लामता पहुंचे थे। खास बात यह रही कि CRS प्रमुख समनापुर से लामटा तक रेल इंजन में ही सवार होकर निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण करते हुए समनापुर से लामता पहुंचे थे। लामता से नैनपुर तक इलेक्ट्रिक लाइन की चेकिंग डीजल इंजन से की गई। नैनपुर से इलेक्ट्रिक इंजन लगाकर लामता की 90 किलोमीटर की गति से रेल चलाएगी। CRS की रिपोर्ट लगभग 15 दिनों बाद रेलवे बोर्ड को भेजी जाएगी। रिपोर्ट ओके होने पर रेलवे विभाग तय करेगा कि इस रूट पर कब सवारी गाड़ी चालू करें। फिलहाल कोरोना संकट का दौर चल रहा है, इसमें रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। असिस्टेंट लोको पायलट अमित कुमार और CRI प्रशांत मिश्रा गार्ड श्री GS राजपूत। तो ये नैनपुर से आप कितने बजे निकले? 13:07 को निकले। 13:07 को लामटा कितने बजे आप पहुंचे? 13:47 को आ रहा है। सर मेरी 2004 और 6 के बीच में रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी, तो सर मैं अकेला ही नहीं हूँ। कटंगी से बालाघाट के बीच में जो गेज परिवर्तन हुआ था उसमें धानी टोला, बुदबुदा, सतारा ऐसे कुछ गांव हैं जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी। 2004 और 6 के बीच में जो भूमि अधिग्रहित की गई, आज 2020 चल रहा है। इतने दिनों में रेलवे विभाग द्वारा हम किसानों को आज जो हमारे सामने भूमि नहीं होने से भूखे मरने की जो नौबत आ खड़ी पड़ी है, तो हम चाहते रेलवे विभाग से चाहते हैं कि हमें भूमि अधिग्रहण जो हमारी की गई और आप अपना जो रेल हमारी भूमि से चलवा रहे हैं, आपने गेज परिवर्तन किया, आप भूमि अधिग्रहण के बदले में जो रेल चला रहे हैं, तो हमें भी आपने नौकरी का आश्वासन दिया था। बट आज लगभग ये 16 से 17 साल का जमाना होने लगा है जिसमें हम लोगों को, हम किसानों को आज तक आपके मंडल कार्यालय से आवेदन तक नहीं आया। कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने कार्रवाई की है, जिनकी मेडिकल स्क्रीनिंग हो चुकी है, कुछ लोगों को ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। रेलवे जमीन 2003-04 में रेलवे ने भू अधिग्रहित कर दिया, उसके बाद बालाघाट जिले के कम से कम 450 लोगों की जमीन रेलवे ने भू अधिग्रहित की, उसमें से 50 या 52 लोगों को उन्होंने नौकरी दिया, बाकी लोगों को अभी नौकरी नहीं मिली है। तो उन्होंने ये कहा कि हम आपका बहुत जल्दी करने वाले हैं, हम लोग हम सबके कागज़ चेक कर रहे हैं, जिसका कागज़ अगर उचित पाया जाएगा उनका हम करेंगे, ये दिसंबर तक उन्होंने कहा है कि करेंगे। और हम लोगों ने ये मांग की है उनसे कि हमारा जो लड़ाई है भू अधिग्रहण समिति के अलावा ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप जी बैस हैं।